हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा मसालेदार और तीखा आंवले और मिर्च का अचार। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है, ये झटपट बनकर रेडी हो जाती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और इस अचार की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये अचार 2 से 3 हफ्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता अगर आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टेम्पटिंग अचार की रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 600 ग्राम के करीब आंवले और कुछ हरी मिर्चें। तो ये आंवले हमारे फ्रेश किचन गार्डन के ही हैं। तो ये आंवले का अचार मैं 3rd टाइम इस सीज़न बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँ। तो ये बहुत ही हेल्दी पिकल रेसिपी होती है। तो इसमें जो मसाले मैं ऐड करूँगी वो भी इस अचार को बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाएंगे। अब जो मसाले हम अचार में ऐड करेंगे इन्हें हम हल्का सा भूनेंगे। तो भूनने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और फिर इसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून भरकर सौंफ, 1 टेबलस्पून पीली सरसों, 1 टेबलस्पून काली राई, 1 टेबलस्पून ही भरकर इसमें हम ऐड करेंगे साबुत धनिया और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर मेथी के दाने। तो ये हम थोड़े ही ऐड करेंगे और फिर फ्लेम को लो ही रखते हुए हम इस मसाले को मिक्स करेंगे और हिलाते रहेंगे बीच बीच में। तो इसे हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही भूनेंगे ताकि ये थोड़े क्रंची और फ्लेवरफुल हो जाए। तो अब इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इस स्टेज पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फिर इस मसाले को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब ये मसाला बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक ब्लेंडर जार में। अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो इसका बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं बनाएंगे, इसको हल्का सा दरदरा ही पीसेंगे। तो इस तरह का अगर हम मसाला ऐड करेंगे अचार में तो अचार और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब हम पीसे हुए सारे मसाले को ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर कलौंजी और 1/4 टीस्पून के करीब हींग। हींग बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है इस अचार को। कलौंजी और हींग ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इस मसाले को एक तरफ रख देंगे। और दूसरी तरफ अब हम बॉईल करेंगे आंवलों को। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने ऐड किया है थोड़ा पानी। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर मैंने उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून भरकर नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लें और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे सारे आंवले जिन्हें हमने पहले से धोकर रखा था। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरह से बॉईल होने लगा है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। चार से पाँच मिनट बाद आप देखेंगे कि आंवले अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल भी नहीं करना है, बिल्कुल हल्का ही बॉईल करना है ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए और इनकी जो लाइंस हैं पीसेस की वो प्रोमिनेंट हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइंस
अलग हो गई हैं, तो इसके पीसेस आप इजली इस तरह से अलग कर सकते हैं जब ये ठंडे हो जाएंगे। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और सारे आमलों को मैं एक स्टेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इस तरह से अगर आप स्टेनर में सारे आमलों को ऐड कर देंगे तो सारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो अब आमलों को अच्छी तरह से ठंडा कर लें और फिर हम सेपरेट करेंगे इसके पीसेस को और इसके सीड्स को अलग कर देंगे। तो इसी तरह से सारे पीसेस को आप एक एक करके अलग कर लें और इसके सीड्स को रिमूव कर दें। तो अब इसके पीसेस को आप फैन की हवा के नीचे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऐड किया है 4 टेबलस्पून भरकर मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम मीठा तेल या फिर सरसों का तेल भी कहते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से गरम कर लें जब तक कि इसमें से धुआं ना निकल जाए। अब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरी तरफ जो आमले के पीसेस हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में। और फिर इनमें हम ऐड कर देंगे कुछ स्लिट की हुई हरी मिर्चों को, जो कि अचार को और भी ज़्यादा तीखा और टेस्टी बना देंगी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाला, जिसे हमने पहले से पीस कर रखा था। तो सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो जितना ज़्यादा मसाला होगा उतना ही टेस्टी आपको ये अचार लगेगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून भरकर अमचूर पाउडर। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सारा तेल, जिसे हमने गरम करके रखा था। तो तेल हल्का सा गरम ही है, तो हल्का गरम तेल ही आप ऐड कर दें बाउल में और फिर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो जितना ज़्यादा तेल होगा उतना ही आपका अचार लास्ट करेगा। तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अचार कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो आप इसे इंस्टेंट इसी टाइम भी खा सकते हैं। तो अगर आप इसे 1 दिन के बाद भी खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये अचार आप राइस के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे आंवले के अचार की रेसिपीज़ अपलोडेड हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी में ही बॉईल करने हैं आंवले अचार के लिए। तो इससे पहले जो मैंने अचार डाला था घर पर, तो उसके लिए मैंने आंवलों को स्टीम किया था। तो इस तरह से आप ढक कर आंवलों को स्टीम कर सकते हैं। तो ये 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट स्टीम करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से भी आप अचार डालेंगे तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इसी में रह जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।